introduction to database management system inside we we'll learn about session number 1 let us start for introduce what is a dbms first of all and then we we'll learn about session number 1 inside lots of new point first of all we we'll learn about introduction to dbms session number 1 what is a data and information mostly such so student mind me same question the data means what collection of information

तो उसके इनसाइड बैक साइड कौन सा डेटाबेस स्टोर होता है उसके बारे में क्लेरिफाई करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कंप्यूटराइज कैसे प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में क्लेरिफाई करेंगे बेस बेस के अंदर टेबल फॉर्म क्वेरी एंड रिपोर्ट बनाना हम लर्न करेंगे जो नेक्स्ट सेशन के अंदर भी अवेलेबल है और पार्ट के अंदर है बट उसका इंट्रोड्यूशन हम ये सेशन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे लिटिल बिट, देन क्रिएट द सिंपल डेटा बेस फ्रॉम द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके आपके फोर्ट स्टेप उसको मेनटेन करना है देन लास्ट जो हमारे यहाँ पे अप किया है मैंने बेस, बेस एक डेटाबेज मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जो डेटा मॉडल यूज करते हैं रिलेशनशिप यहां पे मैंने आपको डीबीएमएस का जो पूरा स्ट्रक्चर है ओके ये पार्ट के अंदर मैंने उसका ओनली फॉर आपको इंट्रोड्यूस किया हम थ्योरी विद प्रैक्टिकल सब कुछ लर्न करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर और सेशन के अंदर लेटेस्ट स्टार्ट फॉर सेशन नंबर वन सबसे फर्स्ट आपको डीबीएमएस के बारे में क्लैरिफाई होना चाहिए और इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर जिसको ये सेशन के अंदर समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट जितने भी हमारे डी बी एम एस के कंसेप्ट हैं वो सब कुछ क्लैरिफाई गए तो सबसे फर्स्ट हम लिटे भी थ्योरी क्लैरिफाई करते हैं इन करंट सीनारियो विदवंट एंड रीच ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी मीन वॉट वट इज मीनिंग ऑफ द डिजिटल जहां जीरो स्टोर होता है टेक्नोलॉजी मीस वॉट जहां पावर सप्लाई का यूज किया जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी के इन साइड समझाता हूँ आपके टीचर्स डेली अटेंडेंस लेते हैं प्रोफेसर अटेंडेंस लेते हैं तो अब पहले कैसे होता है पेन और पेपर का यूज करते हैं और अभी आर एफ आई डी जैसे टैग आने लगे ज़ूम के अंदर मीट के अंदर आपकी अटेंडेंस लेने लगे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है राइट है तो यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने की डिफरेंट मेथड है ऑल द डेटा इज स्टोर एंड मैनेज इलेक्ट्रिकली जैसे डेटा स्टोर करना है जैसे एग्जांपल गूगल ड्राइव उसमें आप डेटा स्टोर करते हो मैनेज करते हो एस एनिंग में मैनेज मैनेज करना है पर कैसे होना चाहिए इलेक्ट्रिक ओके कंप्यूटराइज डे टू डे ट्रांजेक्शन इज ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं जैसे आप सब को मालूम है एक नॉर्मल पर्सन जो स्मार्टफोन यूज करता है उसके पास भी क्या होना चाहिए ईमेल आईडी होना चाहिए स्मॉल एंटरप्राइज ओके इससे भी बड़े बड़े जितने भी हैं वो पूरा बिजनेस अभी मेल और डिजिटलाइज के थ्रू चल रहा है तो उसके अंदर रेकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कैसी सिस्टम है उसके अंदर हम क्लैरिफाई करके सिस्टम टर्म्स इज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम मिस आपके इंफॉर्मेशन के सिस्टम के तो यहाँ पे टू जो टेक्निकल वर्ड है कीवर्ड बोल सकते हैं ओके okay, टर्म्स बोल सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी मिस वॉट राइट न इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज वॉट उससे क्या हमको बेनिफिट है क्या बेनिफिट है आपको वेरी गुड क्या मिलेगा आपको फ्लैक्सीबिलिटी समझाता हूँ ये गूगल ड्राइव नहीं होता या मोबाइल नहीं होता तो क्या होता हम सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यूज करे थे जैसे कैमरा अलग था रेडियो अलग था म्यूजिक लिसनिंग करने के लिए हॉकी टॉकी डिफरेंट था मोबाइल अलग था म्यूजिक प्लेयर डिफरेंट था समझ में आ रहा है अभी क्या कर दिया एक स्मार्टफोन की वजह से आ रहा है तो आप लोग आप स्मार्टफोन का समझा रहे हो या DBMS में डोंट वरी मैं ट्रैक पे लाने के लिए ट्राई कर रहा हूं तो उसके अंदर भी आपको क्लैरिफाई एक्सेसिंग डेटा हमारा मेन फोकस है डेटा के ऊपर आपके डेटा के ऊपर हम क्लैरिफाई करेंगे इससे क्या होता है कोई भी डेटा को सबसे पहले हमको स्टोर करना है प्रॉपर वे में मैनेज करने की ट्राई करेंगे यूजिंग फॉर डीबीएमएस कंसेप्ट ऑर्गेनाइज नाउ Beginning the global information system are not how, now limited storage. अबे आप देख रहे हो एक normally अब smart camera से photo click करता ना फिर भी 2 mb से start होके 12 mb तक एक images होती है। Sound की clarity के अंदर देखोगे कोई movie देखोगे, minimum five six gb का तो movie आने लगा। तो इसको YouTube के अंदर organize कैसे करता है? Google कैसे arrange करता होगा? जिसे हम फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम के थ्रू हम अनलिमिटेड वीडियो ओके अनलिमिटेड इमेजेस अपलोड करते ही जा रहे हैं तो उसको गूगल या यूट्यूब वो सब मैनेज कैसे करता होगा फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर हम अनलिमिटेड फैन अनलिमिटेड पोस्ट करते हैं तो वो सबको मैनेज कैसे करता है यहाँ पे ये यह सब कुछ के यहाँ पे लर्न करना है मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज इज मिस वर्ड प्रॉपर वे में, में क्लैरिफाई करना है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ सर्च इज सर्च एंजिन आपके माइंड में आएगा सर गूगल एक ही गूगल एक सर्च है नो ये आपके लिए होमवर्क है एक स्मॉल टास्क देता हूं और ऑल वर्ल्ड के अंदर कितने सारे सर्च एंजिन है बट मोस्ट पॉपुलर कौन सा है यूजर फ्रेंडली कौन सा है गूगल इसके लिए हम गूगल को फर्स्ट प्रायोरिटी दे उसके बारे में क्लैरिफाई करें तो सर्च एंजिन मिस वर्ड गूगल ने क्या किया अभी तक गूगल ने सिंपल आप सबका या पूरे वर्ल्ड का मेरा वो सब डेटा कलेक्ट किया कैसे कलेक्ट किया जी के थ्रू राइट गूगल मैप के थ्रू इमेज के थ्रू यूट्यूब के थ्रू वो सब ने क्या, क्या? कलेक किया डेटा को कलेक्ट किया कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर वे में मैनेज किया जब भी आप की वर्ड में गूगल के अंदर सर्फिंग करते हो कुछ भी फाइंड आउट करते हो वो टाइम क्या होता है गूगल yes, आपको सजेशन देता है जैसे मैं वॉट लिखूंगा ना तो सजेशन भी देगा एज वेल एज जो भी हम डेटा को क्लैरिफाई करना चाहते हैं वो क्लैरिफिकेशन भी देगा तो यहाँ पे सर्च इंजिन का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेटेस्ट स्टार्ट फॉर बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव के अंदर मेल ये सर्च इंजिन है गूगल का यहाँ पे हम सर्च करते हैं वॉट इज दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको सब डिटेल जैसे व्हाट इज़ ए कंप्यूटर देखो ये सजेशन दे रहा है इसके लिए ये सर्च इंजन पॉपुलर है कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी कुछ भी होगा यहाँ पे आपको क्लैरिफाई तो देखिए आप ये सब डेफिनेशन है राइट है तो मैंने गूगल ने पहले क्या किया था कंप्यूटर के रिगार्डिंग जितने भी डेटा था वो कलेक्ट करके रेडी किया है अभी जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा गूगल क्या करेगा मुझको डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स है राइट वो डिटेल देगा जैसे आपको कैसे डिटेल चाहिए वर्ड के वाइज उसका मीनिंग समझना है उसके बुक के कर क्लैरिफाई करना है भाई कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो बुक है उसकी डिटेल चाहिए तो ये सब उसने डेटा मैनेज तो किया होगा ना लिंक बनाई होगी न्यूज़ के रिगार्डिंग आपको न्यूज़ चाहिए कंप्यूटर वर्ड के रिगार्डिंग इमेजेस चाहिए तो इमेजेस भी अवेलेबल है राइट है आप देख रहे हो यहाँ पे इमेजेस है इनकेस उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो यहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल है और एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो मोर ऑप्शन भी आप समझ रहे हो तो गूगल ने ये सब डिफरेंट स्ट्रक्चर के वाइज डेटा कलेक्ट करके रेडी कर दिया है एज पर योर रिक्वायरमेंट मैप शॉपिंग फ्लाइट फाइनेंस के थ्रू तो मैंने इसके थ्रू आपको बेस्ट वे में एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफाई किया सर्च इंजिन का ये मेन यूज है इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको जैसी डिटेल चाहिए वो डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है नेक्स्ट रिजर्वेशन सिस्टम जैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हो उसकी सिस्टम ऑनलाइन बैंकिंग राइट ऑनलाइन टैक्स फिलिंग लाइक जीएसटी है इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है राइट वो सब पूरे डेटा कलेक्ट करते हैं इसके बाद ही सब क्लैरिफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग दैट इज ए गुड एग्जाम्पल दिया है एक ऐसा बिजनेस है जो पूरा किसके ऊपर चलता है ऑनलाइन और वो है शेयर मार्केट अब देख रहे हो इसमें एक मिली सेकेंड का भी डेटा अप डाउन होगा तो करोड़ों रुपी का लॉस हो जाता है तो ये सब डेटा कलेक्ट करते है कौन है बड़े बड़े कंप्यूटर्स उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको बोलते हैं डी बी आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इसके थ्रू ही मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ जिसे ये सब सब्जेक्ट का और पॉइंट इंपॉर्टेंट माइंड में सेट रहेगा आई होप सो ये पॉइंट समझ में अभी आने लगा है अभी यहाँ से ये बेस एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं अभी नाउ एनी वन आस्क यू वाट इज यूज फॉर डी बी एम एस तो आपका आंसर होना चाहिए सर्च एंजिन डिजाइन करना रिजर्वेशन सिस्टम ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन टैक्स फिलिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग क्योंकि उसके अंदर डेटा तो इंपॉर्टेंट है राइट right? है इसके बाद हम यहां पे क्लैरिफिक करते हैं इसके अलावा भी यूज के बारे में आपको क्लैरिफाई स्टोर ऑनर्स अभी आप देखो बड़े बड़े मॉल के अंदर राइट टाटा है डी है उस सब के अंदर क्या होता है स्टॉक मेंटेन करना हो पर डे कितना सेलिंग है अभी हमारे यहाँ स्टोर में कितना है और गोडाउन में कितनी प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है तो राइट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है जैसे मैं एग्जांपल दूँ मेडिसिन ऐसे कई ऐसे मेडिसिन है जिसका लाइफ जैसे वैक्सीन है उसकी लाइफ क्या होती है शॉर्ट टाइम होती है तो उसको फ्रीजर में भी रखोगे तो भी शॉर्ट टाइम में उसको यूज कर लेना है एक्सपायर्ड हो जाती है तो उसका स्टॉक रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखो तो एक पर्सन की एक लिमिटेशन क्या होती है ये सब रिकॉर्ड माइंड में सेट नहीं कर सकता इसके लिए हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर है डेटा तो आई होप सो अभी इसका मीनिंग समझ में आ रहा है मैं एक एक वर्ड एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करूंगा बट इसमें पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए इसके बाद ही आपको ये सब सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट आएगा ओके नेक्स्ट ब्रोकरिंग एजेंट ब्रोकरिंग एजेंट मी शॉर्ट जो जैसे लाइक like फ्लिपकार्ट है फ्लिपकार्टै okay? इसके बाद कितनी सारी वेबसाइट है जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है इसके फ्लिपकार्ट के अलावा अमेजोन है ई बे है राइट है ये सब वेबसाइट क्या करते हैं जो भी प्रोडक्ट बाय और सेल होती है उसके बीच में से उसका कमीशन होता है ओके एजुकेटर के लिए एंड स्टूडेंट के लिए आप ऐसे यूट्यूब के थ्रू ही स्टडी कर रहे हो ना तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो वीडियो है मैंने कहाँ पर रखा होगा यूट्यूब के अंदर तो मेरा जो पर्सनल डेटा था तो डेटा कौन से स्ट्रक्चर में था वीडियो के थ्रू और वो वीडियो के थ्रू आप नॉलेज ले रहे हो तो एजुकेटर्स अदरवाइज टूटोरियल को और स्टूडेंट को दोनों को डेटा right? अवेलेबिलिटी सब वीडियो बना के आपको प्रॉपर वे में ओके एजुकेशन okay? देने का ये बेस्ट मेथड है तो यहां से ये मेन इंपॉर्टेंट है अभी देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम टुडे इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बिकम इनविलिटेबल मीन्स अभी तो इन्फॉर्मेशन लेना अभी कोई बड़ी बात नहीं है घर बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल बन गया है राइट है अभी मैं गूगल के अंदर पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ राइट विद इन अ फ्यू सेकेंड ऑल ऑफ दस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्ट एज अ यूजर वन और अनदर इंफॉर्मेशन सिस्टम हम सबकी जैसे आपका लाइव लोकेशन ट्रेस करना आप मोबाइल के अंदर इतना सीक्रेट कोड क्यों रखते हो आपका डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी मैं आपको इसके अंदर और भी पॉइंट के उधर जाने वाला हूँ। अपने ध्यान रखना है ओके हैकर हैकिंग क्या करता है मनी हैक करेगा नो no. क्या हैक करेगा यस yes. आपका डाटा आपका डाटा को हैक करेगा बाद में उसका मिसयूज करता है आप हो सकते आपका डाटा इमेज फॉर्मेट में हो हो सकते आपका डाटा ऑडियो फॉर्मेट में हो जैसे मैं आपको यहां पे स्पीच दे रहा हूं हो सकता है मेरे डेटा राइट वीडियो फॉर्मेट में लाइक यूट्यूब हो सकता है मेरा डेटा टेक्स फॉर्मेट में लाइक पासवर्ड ई मेल आई डी राइट इंस्टाग्राम का पासवर्ड यूजर नेम मेरा नेट बैंकिंग का नेम पासवर्ड तो समझ रहे हो आपको इसका इंपॉर्टेंट क्या ये है ये कोई हैक कर ले तो या उसका मिस यूज कर ले तो आपसे लॉस हो गया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो ये सब कुछ मैनेज करने के लिए हमारे पास पावरफुल डी बी एम एस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए हम यहाँ पे हमारा खुद के डेटा इसके अंदर एंट्री करेंगे इसको मैनेज करेंगे एज पर आवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट और लास्ट में उसको प्रिंट आउट करेंगे और अपने क्लाइंट को यूज़र फ्रेंडली डेटा अलाउड करेगा जैसे आपको यूट्यूब में वीडियो देखना हो सिंपल लिंक के ऊपर क्लिक करने से आप वीडियो देख सकते हो वो कैसे अपलोड हो रहा है कहां से आ रहा है ये टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है समझ में आ रहा है आपको तो यही सब मैनेज करने के लिए हम पॉइंट लर्न कर रहे हैं आई होप सो आपको इसके बारे में इसका मेन पर्पस क्या है जैसे डॉक्टर इंजीनियर शॉपिंग एज ऑल्सो बिकम स्ट्रॉग हेल्पिंग द हैंड ऑफ द टेकिंग द डिसीजन डेटा क्लिक करने के बाद करते क्या है क्या करते हैं हम डिसीजन लेते हैं आप लोग कैसे जैसे आरोग्य स्थिति जैसी वेबसाइट है और एप्लीकेशन भी है उसके अंदर क्या कहते हैं डॉक्टर डिसीजन लेते हैं भाई पर डे कितने कोरोना के केस हैं आज कितना स्वाइन फ्लू अपडेट हुआ इंजीनियर क्या क्या कहते हैं मैनेजरमेंट के लिए कोई ऐसे फार्मूला कोई जैसे इसरो है नासा है वो डिसीजन लेने के लिए कई ऐसे डेटा इंटरनेट से फाइंड आउट करते हैं राइट शॉपिंग करना जैसे एग्जाम्पल हम शॉपिंग करने जाते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट या एम कॉमर्स के थ्रू एट ए टाइम क्या करते हैं मैं एक मोबाइल परचेज करना चाहता हूँ तो मैं अमेजोन में पहले प्राइस देखूंगा वापस ई बी ए में देखूंगा शॉप क्लूज के अंदर देखूँगा इसके बाद कंपेयर करने के बाद जहाँ मुझको गुड डिस्काउंट मिलता है इसके बाद ही हम शॉपिंग करते हैं राइट right है तो कहीं तो उसकी डिटेल जो डिटेल आप फाइंड आउट कर रहे हो तो कोई भी पर्सन है वहां पे डिटेल तो रखी होगी जैसे फ्लिपकार्ट ने अमेजन ने तो वो अमेजोन ने ये सब डेटा कलेक्ट किया कैसे

तो ये हुआ इसका मेन यूज नेक्स्ट अभी ये डेटा को कलेक्ट करके हम करेंगे क्या यह डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर का मेन यूज किस के लिए पॉसिबिलिटी डिसीजन हम ऑप्शंस ले सकते हैं चॉइस कर सकते हैं जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया आप कंपेयर कर सकते हो एवरी वन नीड द करेक्ट डेटा ओके अभी देखो यहां पे जो प्री साइज है जिसे पहले प्री प्लानिंग करना चाहते हो राइट right? इसके बाद रिलेटेंट इंफॉर्मेशन ऑन टाइम उसके रिगार्डिंग आप टाइम क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट कर सकते हो जैसे ये मोस्टली जब कंपटीशन होता है जैसे शेयर मार्केट का बिजनेस है उसमें क्या होता है डिसीजन के ऊपर डिपेंड है जो पर्सन ये बाय और सेल करता है शेयर तो उसके पास राइट right डिटेल्स होना चाहिए एडवांस में उसके माइंड में सेट होना चाहिए वो कंपनी के रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन उसके पास रेडी होनी चाहिए उसके बाद वो डिसीजन लेगा ये शेयर लेना है कि नहीं लेना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो वापस उसके माइंड के ऊपर डिपेंड है राइट आपने वेब सीरीज देखा ही होगा आई होप सो आपको समझ में आ गया मैं क्या जो आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है तो उसके माइंड में कितने सारा डेटा होगा ओके आप सभी ये स्टडी करते हो ये वीडियो देख रहे हो तो दैट्स मीन शॉर्ट आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो पर ये डेटा किस में कलेक्ट कर रहे हो अपने ब्रेन के अंदर बट कंप्यूटर की साइंस से ओके कंप्यूटर की साइड से हम हमारे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है डी उसमें ये सब कुछ पॉसिबल है इट इज़ ऑब्जर्व डैट द प्री परफेक्ट डिसीजन डिपेंड अपॉन एक्यूरसी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल आप राइट डिसीजन कब लगे हुए आप आपके पास करेक्ट एंड परफेक्ट डेटा होगा तब जैसे एग्जांपल इन फ्यूचर मुझको आईटी फील्ड में जाना हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर की बनना हो या मुझको आईटी टी कंपनी खोलनी है या हैकर बनना है तो मेरे पास राइट डेटा होना चाहिए जैसे एग्जाम्पल कॉम्प्यूटर के अंदर गुड स्कोरिंग मार्क्स हो गए तो आपको लगेगा यस आई बिकम कंप्यूटर इंजीनियर तो कंप्यूटर के अंदर भी आपको क्लैरिफाई हुआ है जैसे सी सी प्लस प्लस पाइथन जैसी लैंग्वेज में आपकी मास्टरी है तो बर्ट यूएस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंट्री ले सकते हो देखो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड है आपके टेंथ के परसेंटेज से आपने साइंस लिया कॉमर्स लिया ट्वेल्थ के परसेंटेज से आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो और उसके हिसाब से चलेगा तो डिसीजन यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है इसका मेन है आपके पास डेटा कौन सा डेटा टेंथ का मार्क्सीट एंड ट्वेल्थ का क्लियर है तो ये हो उसका मेन यूज अभी मैं ट्राई करो आपको बेस्ट वे में सब कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाए और ये सब्जेक्ट के के अंदर ये के अंदर ये टॉपिक और नेक्स्ट सेशन की तक आप वेट करो इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ द रो डेटा नहीं समझ में डोंट ओरी मैं, डौन डौन मैं क्लैरिफाई करता हूँ यहाँ पे इसके लिए मैंने इमेज के थ्रू भी समझाया होने ट्राई कर रहा दो इंपॉर्टेंट वर्ड है एक सबसे फर्स्ट डेटा सेकेंड इंफॉर्मेशन आप लोग सर कब कब से हम ही, ही तो बात कर रहे हैं ओके okay, अभी मैं आपको यहां पे इसकी डेफिनेशन के साथ विद एग्जाम्पल देना चाहता हूं देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ डेटा एंड इंफॉर्मेशन जैसे एग्जाम्पल मैं सबसे फर्स्ट डेटा क्लैरिफाई करता हूं ऑल द काइंड ऑफ फैक्ट फिगर्स डिटेल्स रिलेटेड टू द पीपल प्लेस थिंग्स एन इवेंट उसको क्या बोला जाता है प्लीज 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 स्टूडेंट उसको माइंड में सेट कर देना और नोटिफिकेशन करना समझाता हूं मेरा नेम, मेरा नेम मेरे टेंथ के परसेंटेज ट्वेल्थ के परसेंटेज बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के परसेंटेज राइट इसके बाद मेरा बर्थडेट मेरी हाइट विथ मेरा आर्मी का लाइसेंस राइट right, वो सब क्या है डेटा right है राइट है डेटा है डेटा कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है मे बी रिटर्न फॉर्मेट में हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ मैं वर्बली देना चाहता हूँ औरल है और हो सकते कंप्यूटराइज ये जो मैं नॉलेज है ना मेरा डेटा है यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है आपके पास वीडियो अवेलेबल है तो वो कंप्यूटराइज है जैसे भी आप यूज करना चाहते हो ऐसे यूज कर सकते हो बट मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया के ऑब्जेक्ट कितने थे तो आपको याद होना चाहिए कितने थे फाइव फर्स्ट टैक्स वीडियो ऑडियो एनिमेशन और ग्राफिक ये सब में डेटा ही होता है जैसे विकीपीडिया के अंदर डेटा कैसे मिलेगा आपको टेक्स फॉर्मेटे के। यूट्यूब के अंदर डेटा कैसे मिलेगा वीडियो के अंदर ऑडियो मिस आप ऑनलाइन सॉन्ग uh, सुनना चाहते हो तो ऑडियो अवेलेबल है एनिमेशन जो आपको इमोजीस हैं राइट है वो सबके हैं एनिमेशन है ग्राफिक इमेजेस जस्ट अभी गूगल के अंदर हमने देखा तो ये सब फीचर्स अवेलेबल हैं राइट ये सब डेटा ही है क्योंकि उसके अंदर क्या है फैक्ट है फिगर है पीपल है प्लेस है थिंक है और इवेंट के बारे में क्लैरिफाई किया है तो आई होप सो इमेज के थ्रू डेटा आपको समझ में आ रहा है इधर सेल में ये सब कोई भी फॉर्मेट में होना चाहिए हो सकता है कॉम्प्यूटराइज हो वर्बली हो क्लियर है तो आई होप सो डेटा के डेफिनेशन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा फिर भी एक्स्ट्रा आपको समझा दो डेटा इन द ओरिजिनल फॉर्म मे बी नॉट बी मच यूज ऑनली फॉर डेटा का कोई काम नहीं है जैसे एग्जाम्पल आपका नेम आपका टेंथ का ट्वेल्थ का परसेंटेज लेके मैं डिसीजन नहीं लेता तो वो डेटा का क्या काम है साइंस वोला स्टूडेंट को कॉमर्स का डेटा क्या काम का नो no. कॉमर्स वाले को केमिस्ट्री फिजिक्स स्टडी करके कोई काम का डेटा ही है ना कोई काम का नहीं है जैसे एग्जाम्पल ये कंप्यूटर साइंस का वीडियो है राइट है इसकी जगह पे मैं केमिस्ट्री फिजिक्स अकाउंट याट का वीडियो या कंटेंट रख दूँ तो आपके लिए वो डेटा ही है उनको काम का नो no. समझ में आ रहा है एक एक वर्ड एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करवाने की ट्राई करो डेटा मस्ट बी प्रोसेस इन प्रॉपर वे टू जनरेट द यूजफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डेटा के अंदर क्या होना चाहिए उसके पूरा प्रोसेस करना चाहिए क्या होगा तभी वो डेटा यूजफुल और मीनिंगफुल होता है समझाता हूँ देखिये आपके सामने ये, जो वीडियो है ना ये एक्चुअली डेटा है बट मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा हूँ क्या प्रोसेस कर रहा हूँ आपको समझाने की आपके माइंड में प्रॉपर सेट करने की जिसे आपको, आप अपने घर पे बैठे हो मैं मेरे घर पे हूँ मेरे पास जो डेटा है मेरे पास जो नॉलेज है वो तो आपके माइंड में सेट करने की इन फ्यूचर का खुद का ओके okay, कैरियर बिल्ड कर सको और ये डेफिनेशन ये सब कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाएगा ओके आई होप सो आपको यहाँ तक क्लैरिफाई हो जाएगा डेटा का मीनिंग तो समझ में आ गया देन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन उसके अपोज है डिस्क्राइब एज अ क्वायर द रिजल्ट ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा हम क्या कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं समझाता हो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करते हैं दैट्स मीन्स इंफॉर्मेशन इज नथिंग द प्रोसेसिंग डेटा अभी आप लोग प्रोसेसिंग डेटा मी शॉर्ट समझाता हूं अच्छी तरह समझना आप एज्यूम करिए आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का नेम होना चाहिए डेट होती है डेट होती है तो एज होती है जो डिजिट में लिखा होता है नेम है वो अल्फाबेट में आपका आधार कार्ड नंबर होगा आपका क्लास के अंदर रोल नंबर होगा कॉलेज के स्टूडेंट हो मेरे तो आपका एनरोल नंबर होगा ये सब जो है ना वो डेटा है ये सब का क्या काम का आप सर इसका क्या काम है यस yes, ये काम किसके लिए आपका मैं आपको बुलाना चाहता हूं भाई राम तो बोलोगे यस सर आई एम अवेलेबल तो मैंने क्या किया आपको डेटा का यूज किया किसके लिए आपको कॉल करने के लिए दैट मीन्स प्रोसेस मैंने आपके नाम के ऊपर प्रोसेस किया ओके okay, एग्जाम्पल दो बर्थ डेट मैं आपको इन्फॉर्म करना जिसकी बर्थ डेट ओके 2012 के बिलो है उसको आर्मी के अंदर एंट्री नहीं मिल सकती तो मैंने किसके ऊपर ऊपर प्रोसेस किया आपके के जिसकी एज, 18 बिलो है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करने के लिए अलाउड नहीं है क्या मैंने यूज किया आपकी एज के मीस आपके डेटा का यूज किया आई सो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है अभी आपने टेंथ और ट्वेल्थ में आपकी मार्क्सशीट के अंदर जो परसेंटेज था उसका यूज करके आपने कॉलेज और 11, ट्वेल्थ साइंस के अंदर एडमिशन लिया तो मीन्स आपके जो टेंथ के परसेंटेज ट्वेल्थ के परसेंटेज उसके ऊपर प्रोसेस की क्या प्रोसेस की एडमिशन लेने के लिए तो आई होप सो आपको प्रोसेस का वर्ड मीनिंग समझ में आए अभी हम नॉर्मली क्लैरिफाई करते हैं इंफॉर्मेशन इज इन पार्ट बिकॉज इट इज अ फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए उसके ऊपर क्या करना पड़ता है प्रोसेस करना पड़ता है जैसे आपने एडमिशन लेने के लिए यूएस का टेकिंग टाइमली डिसीजन बेस्ड ऑन द करेक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड बेनिफिशियल फॉर अर्स जो बड़े बड़े पर्सन है डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं यस yes. उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं एग्जाम्पल देता हूँ अच्छी तरह समझना आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हो तो आपने क्या किया मेरा डेटा कलेक्ट किया वो नंबर में डिजिट में है। जब आप मुझको कॉल करते हो तो जो आपने सेव किया था ना उसके ऊपर क्या किया प्रोसेस किया दैट्स मीन्स उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है अभी मुझको कॉल करने की जो प्रोसेस है उसको हम इंफॉर्मेशन करेंगे आपने मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर सेव किया है उसको क्या बोलेंगे डेटा क्लियर इतना तो देखिए मैं बेस्ट एग्जांपल के थ्रू आपके माइंड सेट करने की ट्राई कर रहा हूँ अदरवाइज इम्पॉसिबल है ये सब थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर करना टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट और इन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में बी बैडली इफेक्ट इन बिजनेस जैसे गलत इंफॉर्मेशन होगी तो आपका डिसीजन क्या होगा रॉन्ग सेम मैंने आपको उल्टा सुल्टा या रॉन्ग स्टडी करवाया तो रिजल्ट भी कैसे आएगा उल्टा सुल्टा ही आएगा मैं बाद में आपके ऊपर एक्सपेक्ट करूँ भाई मेरे कॉलेज वाले स्टूडेंट है वो आईआईटी या ऐसे गुड कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लें तो उसका डिसीजन आपको कहाँ से लेना पड़ेगा ट्वेल्थ में से ट्वेल्थ में से आपको कम्प्यूटर साइंस में इतना मास्टर बना दो इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो राइट right इनपुट उसका मीनिंग क्या होता है राइट right इनपुट तो आउटपुट भी क्या आएगा राइट right ही आएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो जो भी स्टडी करना है वो बाय हार्ट कंप्लीटली स्टडी करना है इसके बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा राइट right, नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज यू एंड योर टीम इन द स्कूल डिसाइड द सैन बड्डे विस टू दफ़ द स्कूल ये बेस्ट एग्जाम्पल है रेफरेंस बुक के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ क्या कर रहा है यहाँ पे एक टीम बना रहे हैं जो जितने भी स्टूडेंट हैं स्कूल के अंदर वो सबको बड्डे विस करना है तो आइडिया इज रिक्वायर टू कलेक्ट द बर्थ डेट हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट की बर्थडेट कलेक्ट करनी पड़ेगी जैसे एग्जाम्पल टेंथ सेप्टर 1998 तो ये डिजिट है डेटा है मंथ है डेटा है ईयर है डेटा है अभी क्या करेंगे तो डेट कलेक्ट एक्ट एज अ डेटा इन द केस हमने डेटा कलेक्ट कर लिया डेट कलेक्ट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था तो मैंने क्या किया डेटा को कलेक्ट किया जिसे गूगल ने क्या किया था पूरे वर्ल्ड का डेटा कलेक्ट किया नेक्स्ट इफ टूडे इज द टेंथ सेप्टेम्बर

तो मैं जो प्रोसेस कराऊँ उसको हम क्या बोलेंगे इन्फॉर्मेशन तो ये बेस्ट स्मॉल एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफिकेशन हो मिल गया आपको वी वैल ऑल यूज द वन एंड मोर टाइप्स ऑफ द डेटा बेस इन अवर डे टू डे लाइफ हम कहीं भी डेटा बेस यूज करते हैं अभी तक हम हम क्या करते हैं हमारे माइंड में जितना सेट होता है इतना सेट करते थे डेटा को अदरवाइज क्या करते थे पेन और पेपर में हम नोटबुक यूज करते हैं डायरी यूज करते हैं उसके अंदर हम नोट डाउन करते हैं एग्जांपल लेता हूँ कीप द डायरी उसके अंदर क्या लिखते हैं भाई किसी के एड्रेस लिखते हैं फोन नंबर लिखते हैं जैसे एग्जांपल आपके फादर ग्रांड फादर का देखना ये हैबिट थी जब वो उसके टाइम पे क्या नहीं था ये डी बी एम नाम का सॉफ्टवेयर नहीं था उसके पास ऐसे कंप्यूटर नहीं था तो वो सब क्या करते है? खुद अपने माइंड का यूज करके ब्रेन का यूज करके प्रोसेस का यूज करके लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं राइट है सेम स्कूल के अंदर जितने भी किया जाता है स्टूडेंट इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है क्या किया आधार कार्ड प्रोजेक्ट के अंदर पूरे इंडियन के जितने भी सिटीजन है वो क्या किया? किया. जैसे आपकी किया था, आपका आई रेस लिया राइट right है इसके बाद आपका एड्रेस आपका नाम आपकी बर्थडेट आपकी एज राइट है और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था पासपोर्ट नंबर से लेकर सब कुछ आधार कार्ड ने इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट कर लिया बाद में क्या किया जब बैंक के अंदर जा रहे हो इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो आधार कार्ड के साथ वो सबने क्या कर दिया लिंक कर दिया तो लिंक है प्रोसेस की उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन पासपोर्ट ऑफिस मेंटेन द डिटेल ऑफ द इश्यू द पैसेंजर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर क्या करते हैं जैसे आप इंडियन हो और जो आपकी आउटसाइड कंट्री में स्टे कर रहे हो या इंडिया में आ रहे हो तो सब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भी यूज किया तो आपको समझ में आ रहा है डेटा के बिना कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं राइट है तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट